तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 1 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमाघरों में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों, सिंघम अगेन ने अपने पहले 2 दिनों में वो बड़ा इतिहास रचा है, वो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अपने पहले दिन फिल्म सिंघम अगेन ने जो कमाई की थी वो तो की ही थी, लेकिन दूसरे दिन ये कहना था कि फिल्म 30 से 32 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन दोस्तों, अपने दूसरे दिन फिल्म ने उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कमाई करके ये दिखा दिया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि आज फिल्म का 3रा दिन है। और दोस्तों, आज अपने 3रे दिन ये फिल्म पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरह से हाउसफुल है और आज एक और बड़ा रिकॉर्ड अजय देवगन के नाम होने जा रहा है। तो दोस्तों, फिल्म ने सिनेमाघरों में 2 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म को रिलीज हुई आज, सिनेमाघरों में 3रा दिन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंघम अगेन अपने पहले 2 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज अपने 3रे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की जो 3 दिनों की टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म सिंघम अगेन की तो ये एक हिंदी लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका फैंस को बड़ा इंतजार था। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और फिल्म को प्रोड्यूस किया था रोहित शेट्टी, अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने। फिल्म में हमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ और साथ ही साथ सलमान खान का कैमियो भी इस फिल्म में हमें देखने को मिला था। फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लेकिन दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर जो कमाई की थी वो तो की ही थी, लेकिन उसके बाद 2रा दिन फिल्म का ऐतिहासिक रहा। जहां दोस्तों, ऐतिहासिक दिन रहा। अब 2रे दिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मुंबई के अंदर जो 2रे दिन की ऑक्यूपेंसी रही वो लगभग 75% की रही और ये अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये फिल्म की 2रे दिन की बात कर रहा हूं मैं। 2रे दिन पूरी तरह से पूरी हाउसफुल थी नाइट और इवनिंग के शोज में सिंघम अगेन। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं तो यहां पे लगभग 52% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी थी। पुणे के अंदर लगभग 70% की ऑक्यूपेंसी थी। बेंगलुरु के अंदर 51% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी थी। हैदराबाद के अंदर 41% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी थी। दोस्तों, ये 2रे दिन की बात कर रहा हूं मैं इवनिंग और नाइट के शोज की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भैया यहां पे सिंघम अगेन ने अपने पहले दिन जो इतिहास रचा था वही इतिहास फिल्म ने अपने 2रे दिन भी रच के दिखाया है, क्योंकि फिल्म के पास कहीं पर भी कोई शोज कम नहीं हुआ है। बल्कि कल मुंबई और दिल्ली एनसीआर में जो शोज थे वो और ज्यादा इंक्रीज हुए क्योंकि फिल्म की डिमांड नाइट और इवनिंग के शोज में काफी ज्यादा थी, तो इसीलिए फिल्म के शोज को बढ़ा दिया गया था और इसी वजह से फिल्म उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही है। तो सभी जगहों पर पूरी तरह से फिल्म हाउसफुल थी सिंघम अगेन। तो सिंघम अगेन ने अपने फर्स्ट डे पर जो किया था वो किया था 43 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन इंडिया से नेट। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 52 करोड़ रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने कमाए थे 12 करोड़ 22 लाख रुपए और कुल मिला के ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन 64 करोड़ 22 लाख रुपए करने में कामयाब रही थी। जहां दोस्तों, अपने फर्स्ट डे पर फिल्म ने 64 करोड़ 22 लाख रुपए कर लिए थे। उसके बाद आता है फिल्म का 2रा दिन यानी कि सैटरडे। तो दोस्तों, फिल्म से उम्मीदें थी कि कम 32 से 35 करोड़ रुपए फिल्म अपने 2रे दिन करेगी, लेकिन दोस्तों सारी उम्मीदों को गलत कर दिया है और सारे आंकड़ों को गलत कर दिया है। फिल्म का जो 2रे दिन का कलेक्शन रहा वो रहा 42 करोड़ रुपए का। जहां दोस्तों, 42 करोड़ अपने 2रे दिन फिल्म सिंघम अगेन ने कमाए और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आंकड़े थे कि भैया 30 से 32 करोड़ रुपए करेगी 2रे दिन, लेकिन 2रे दिन फिल्म की 42 करोड़ रुपए की कमाई रही और फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों में इंडिया के अंदर 85 करोड़ 70 लाख रुपए नेट कमा लिए हैं। तो वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 105 करोड़ रुपए हो गया है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं भैया 25 करोड़ रुपए और कुल मिला के ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में 130 करोड़ रुपए कर चुकी है अपने पहले 2 दिनों में।
जहां दोस्तों अपने पहले दो दिनों में फिल्म सिंघम अगेन ने 85 करोड़ 70 लाख रुपए नेट इंडिया से कर लिए हैं, और वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। अब दोस्तों आता है फिल्म का तीसरा दिन यानी कि आज का दिन। तो दोस्तों आज संडे का दिन है, पूरी तरह से छुट्टी है यानी कि हॉलीडे का पूरा फायदा उठा रही है आज ये फिल्म, और आज अपने तीसरे दिन कम से कम 45 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से ये फिल्म कमा रही है। जी हां दोस्तों, आज का कलेक्शन 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहेगा, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अजय देवगन के नाम। और 3 दिनों की जो टोटल कमाई है सिंघम अगेन की, वो 130 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। जहां दोस्तों 130 करोड़ रुपए नेट हो जाएगी इंडिया से 3 दिनों में, वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 195 करोड़ रुपए, भाई 200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है फिल्म सिंघम अगेन अजय देवगन की सिर्फ 3 दिनों के अंदर। जहां दोस्तों 3 दिनों में 195 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड में फिल्म कर रही है सिंघम अगेन, जो कि काबिले तारीफ है। और दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो सुपरहिट चल रही है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे लगी थी फिल्म सिंघम अगेन, कमेंट में जरूर बताइएगा।